सभी छात्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकंड ग्रेड के छात्रों के लिए हम बैटरी चार्जिंग मेथड रेक्टिफायर मेथड का ड्राइंग डायग्राम सर्किट डायग्राम को करेंगे। तो आज तो बैटरी चार्जिंग जो रेक्टिफायर मेथड है उसमें ये होता है, बैटरी चार्जिंग तीन प्रकार के मेथड होते हैं। बैटरी चार्जिंग करने की विधि जो होती है तो तीन तरह की होती है। एक होता है करंट मेथड और दूसरा वोल्टेज मेथड और तीसरा रेक्टिफायर मेथड। तो करंट मेथड और वोल्टेज मेथड दोनों में ही डीसी सप्लाई दी जाती है और डीसी सप्लाई से बैटरी को चार्ज किया जाता है, क्योंकि बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी करंट का होना आवश्यक होता है। यदि हम एसी से बैटरी चार्ज करेंगे तो उसको ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमारी जो एसी वोल्टेज है जो 220 से 240 वोल्टेज है, उस करंट को 220 से 240 से 12 या 24 वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वह एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो हम यहाँ से जैसे पहले एसी सप्लाई देते हैं जो एसी सप्लाई है 240 वोल्ट। अब यहाँ पर हम स्विच के बाद दोनों जो न्यूट्रल ऑप्शन एसी सप्लाई में न्यूट्रल और लाइन दिया है, जबकि डीसी सप्लाई है उसमें प्लस और माइनस से फेज को व्यक्त किया जाता है। अब इसमें फ्यूज लगाते हैं, ये फ्यूज का सिंबल है फ्यूज। ये हमारा स्विच आईटीपीसी स्विच है जिसमें दोनों को एक साथ ऑन और ऑफ किया जा सकता है दोनों फेजों को। इसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को करेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में टर्न की संख्या अधिक होती है और
प्रत्येक फॉर्मूले में टर्म की संख्या कम होगी। वाइंडिंग और लोड आप कुंडली बनाते हैं और लोड, तो इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये हमारा स्विच और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके बाद हम इसमें जो ये कारण एसी सप्लाई थी, एसी सप्लाई को हमने 240 वोल्ट दे इसमें फ्यूज स्विच और फ्यूज का प्रयोग करते हुए और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की लोड प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली से द्वितीयक कुंडली में टर्न की संख्या अधिक होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यदि कम करंट है तो उसको अधिक करने के लिए उपयोग किया जाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये 240 वोल्ट को 12 या 24 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पर इस एसी करंट को, अभी एसी करंट है 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, इस 12 वोल्ट करंट को हम डीसी करंट में चेंज करने के लिए यहाँ तक एसी सप्लाई, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग किया जाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 वायरों की सहायता से हम ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाएं। तो ये होता है जैसे 4 डायोड लगाए, ये डायोड का सिग्नल होता है, जैसे इस प्रकार ये जो सिग्नल है ये डायोड का सिग्नल। और यदि इसको ब्रेक में बंद करके इस प्रकार और इसमें ये लगा दिया जाए तो ये एन नहीं का सिग्नल, अब ये है ए। और यदि इसको नहीं रखा जाए तो डायोड में, तो हम 4 डायोड इस प्रकार लगाते हैं ये ब्रिज बनाने के लिए। ये हमने डायोड लगाया था, इसमें ये होता है असमान, जो डायोड के असमान सिरे हैं, जैसे ये दो डायोड हैं, इन दोनों डायोडों में ये अंतर इनके, जैसे ये ऊपर वाले सिरे एक समान है और ये सिरे एक समान है, यदि ये और ये सिरे की तुलना की जाए तो दोनों पे अलग अलग टाइप के सिरे होंगे, तो असमान जो सिरे होते हैं उनके लिए इनपुट सप्लाई दी जाती है। डायोड जो ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है उसमें असमान सिरे जो डायोड के होंगे उनके लिए इनपुट सप्लाई दी जाएगी और जो समान सिरे होंगे उनसे आउटपुट सप्लाई ली जाएगी। ये हमारे प्लस और माइनस, इस प्रकार ये हमने यहाँ पर हमारे डीसी सप्लाई। अब जो ये ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट होगी जो डीसी उसे हम प्लस और माइनस से मैप किए करते हैं, जबकि एसी सप्लाई को न्यूनतम और लाइन से मैप किया जाता है। अब हम यहां से आगे इस
सर्किट डायग्राम में फ्यूज और एम्पियर मीटर का उपयोग करेंगे। जैसे हमने मान लो इधर प्लस रखते हैं, इधर माइनस रखते हैं, तो प्लस के लिए पहले आप फ्यूज का उपयोग करेंगे, फ्यूज का सिग्नल है, फ्यूज डीसी में भी लगा सकते हैं, और ये एम्पियर मीटर का सिग्नल है, कितनी एम्पियर बैटरी चार्ज कर रही है। इसके बाद ये आएगा ये साइड, इसमें ये माइनस टर्मिनल जो बैटरी का एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दो साइड मिलके एक प्लेट का निर्माण करते हैं, दो प्लेट मिलके एक साइड का निर्माण करते हैं, तो ये हमेशा छोटा टर्मिनल जो होता है और माइनस होता है, इसी प्रकार एक छोटा एक बड़ा एक सब दो साइड और एक तीन साइड, तो ये हमारा प्लस का जो बड़ा टर्मिनल है उसे प्लस से कनेक्ट किया है। अब इस बैटरी जो बैटरी है वह इनपुट सप्लाई जो होगी वह डीसी करंट देगी और आउटपुट सप्लाई भी डीसी करंट के माध्यम से कनेक्ट किया है। तो इस सर्किट डायग्राम में हमको जैसे यह चार्जिंग मेथड बैटरी चार्जिंग मेथड इस बैटरी को किस प्रकार चार्ज किया जाए, तो चार्जिंग मेथड में हम एसी सप्लाई जैसे हमारे घर में यहाँ पर एसी सप्लाई दी गई है, इस एसी सप्लाई को सबसे पहले 240 वोल्टेज सप्लाई है हमारे बोर्ड में, इस 240 वोल्टेज करंट को बैटरी तक हम 240 वोल्टेज करंट नहीं ले जा सकते, तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 240 वोल्टेज करंट को पहले स्टेप नाम ट्रांसफार्मर की सहायता से कन्वर्ट किया जाएगा 12 या 24 वोल्टेज में। तो इसके लिए हमने इसमें स्टेप नाम ट्रांसफार्मर का उपयोग किया है। स्टेप नाम ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में टर्न की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में टर्न की संख्या कम होती है। तो अब हम ये आप सभी जानते हैं ये है डॉटेड लाइन से दो स्विचों का कनेक्ट करने का मतलब है, इन दोनों को हम एक साथ ऑन और ऑफ कर सकते हैं, इसमें प्रत्येक को अलग अलग ऑन ऑफ करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि एक बार न्यूट्रल और एक बार लाइन इसमें सप्लाई है। 240 जो वोल्टेज करंट है उसको हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से पहले 12 वोल्टेज में कन्वर्ट किया है। 12 वोल्टेज अभी परंतु यह जो करंट है वह हमारा यहाँ पर भी एसी करंट ही कहलाएगा, और जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि जो बैटरी है उसके लिए हमको इनपुट डीसी चाहिए, उसको चार्ज करने के लिए डीसी करंट की आवश्यकता है, और डीसी करंट हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चार डायोड की सहायता से हमने ब्रिज बनाया और ब्रिज इस प्रकार डायोड का सर्किट बनाएंगे, जो डायोड है उस दो डायोडों के असमान जो सिरे हैं उनके लिए इनपुट सप्लाई दी जाएगी और जो समान सिरे होंगे उनसे आउटपुट सप्लाई दी जाएगी। तो यहाँ पर हमने यह जो 12 वोल्टेज करंट है एसी उसी को इस ब्रिज रेक्टिफायर में इनपुट के रूप में उपयोग किया है, यहाँ पर यह डायोड ये और ये जो दोनों विपरीत डायोड के सिरे हैं इनको इस प्रकार सर्किट में संयोजन जोड़ा है और इनके असमान सिरे हमें इनपुट
सप्लाई दी जाएगी, और जो समान सिरे हैं डायोड के दोनों के उनसे आउटपुट सप्लाई दी जाए। तो अब हमारे ये ब्रिज जो रेक्टिफायर है इसके माध्यम से हमने एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट किया है, और डीसी जो सप्लाई है उससे हम प्लस और माइनस से हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पर जो आउटपुट सप्लाई है या आउटपुट ये है डीसी का जो ब्रिज रेक्टिफायर है उससे जो आउटपुट होगा वो है डीसी। और अब इस डीसी को प्लस माइनस से कनेक्ट करते हुए और इसमें ये जो सिग्नल है ये फ्यूज का सिग्नल है, आपको कई बार पता चले अब जो इस प्रकार का सिग्नल होता है ये प्रतिरोध का, जबकि इसमें बीच में से एक लाइन निकलने का ये फ्यूज का सिग्नल है और ये हमारी बैटरी का सिग्नल है। बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको डीसी करंट की आवश्यकता है, और जो बैटरी का एक सेल होता है वह दो वोल्टेज का होता है और उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट मिलने के बाद एक सेल का निर्माण करती है। तो बैटरी का जो सिंबल होता है जैसे इसमें तीन नेगेटिव और तीन पॉजिटिव प्लेट हैं, तो ये छह प्लेटों को मिलकर और ये छह दो एक सेल दो वोल्टेज का ऐसे दो दो वोल्टेज के तीन सेल लगे हुए हैं, ये छह वोल्टेज की हमारी बैटरी है। यदि आप सेल की संख्या अधिक बढ़ाएंगे तो बैटरी के वोल्टेज का भी उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगी, और ये हमारा बैटरी चार्जिंग सर्किट डायग्राम जो बैटरी फायर मेथड है वो पूर्ण हो गया। अब ये बैटरी में कोई शॉर्ट सर्किट है बैटरी ज्यादा दे रही है बैटरी, तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट प्लेट में शॉर्ट सर्किट है, तो इस प्रकार इस बैटरी को चार्ज करते हुए के लिए आपको बैटरी फायर मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब इस जब सर्किट डायग्राम पूर्ण हो जाए उसके बाद इसका टाइटल जो है उसे कैपिटल अक्षर का प्रयोग करते हुए और 5 mm ऊंचाई के साथ स्मॉल बैटरी कैपिटल ऐसे इस प्रकार 5 mm की दो एक्सटेंशन लाइन डालें और उसके बाद इसमें डालें बैटरी चार्जिंग मेथड या रेक्टिफायर बैटरी चार्जिंग मेथड इस प्रकार बैटरी चार्जिंग मेथड। तो यहाँ पर हमने इसके लिए जो बैटरी चार्जिंग है बैटरी चार्जिंग मेथड तीन प्रकार के होते हैं, उनमें से हमने रेक्टिफायर जो मेथड है उसके बारे में सर्किट डायग्राम जो रेक्टिफायर मेथड में ये होता है एसी सप्लाई दी जाती है सर्किट में। एसी सप्लाई मेन सप्लाई तो एसी है, एसी को हमेशा न्यूट्रल और लाइन से प्रदर्शित किया जाता है, यदि ये डीसी सप्लाई हो तो प्लस और माइनस से व्यक्त किया जाता है। तो रेक्टिफायर जो मेथड है उसमें जबकि करंट और वोल्टेज मेथड दोनों में आपको डीसी सप्लाई सर्किट डायग्राम के लिए दी जाती है। यहाँ पर 240 वोल्टेज करंट इसको हमने सर्किट के लिए इनपुट दिया है एसी। अब इसके बाद ये स्विच लगे हुए हैं दोनों स्विच के सिग्नल, स्विचो दोनों स्विच एक साथ ऑन करें यह हमारा फ्यूज का सिग्नल है। यदि इसको इस प्रकार बनाया जाए तो प्रतिरोध का सिंबल कहलाता है, परंतु यदि इसमें से बीच से लाइन गुजारी जाए तो यह फ्यूज का सिंबल कहलाता है। अब इस 240 जो वोल्टेज करंट है उसको हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर और इसको अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज में कन्वर्ट किया है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो सिग्नल है उसका प्रयोग करते हुए इसमें प्राथमिक जो कुंडली है उसमें टर्न की संख्या अधिक होती है जबकि द्वितीय कुंडली में टर्न की संख्या कम होती है, यह
अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अभी परंतु जो ट्रांसफार्मर से जो प्राप्त हो रही है वह भी हमें एसी प्राप्त हो रही है, परंतु हमें जो बैटरी चार्ज करना है तो बैटरी के लिए, ये बैटरी का सिंबल है, तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बैटरी इनपुट भी डीसी लेती है और आउटपुट भी डीसी देती है। तो बैटरी के लिए डीसी प्राप्त करने के लिए हमको ब्रिज रेक्टिफायर, एक रेक्टिफायर मेथड बनाना पड़ेगा, जिसमें चार डायोड की सहायता से हम ब्रिज बनाएंगे और ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो ये चार डायोड है हमारे, तो इन डायोडों को इस प्रकार संयोजन जोड़ना है कि डायोड के असमान सिरे इस प्रकार जोड़े, और जो असमान सिरे जैसे यह डायोड है हमारा इस प्रकार, यह हमारा दूसरा डायोड है, तो इसके ये सिरा कॉमन सिरे हैं ये दोनों और ये दोनों कॉमन है, तो इनको इस प्रकार जोड़े इसके ये विपरीत सिरे, जैसे इस डायोड का ये वाला सिरा और इस डायोड का ये विपरीत इसके वाला, ये दोनों सिरे असमान है, इनके लिए इनपुट दी जाए और जो समान सिरे होंगे डायोड के उनसे आउटपुट दी जाती है। असमान सिरे को हमेशा इनपुट दी जाती है और समान सिरे से आउटपुट दी जाती है। तो ये हमारा एसी जो करंट है उसको चार डायोड की सहायता से ब्रिज बनाकर और हमने एसी से डीसी में कन्वर्ट किया है। अब जो ब्रिज की आउटपुट है रेक्टिफायर की, वह हमारी डीसी प्राप्त होगी, ये डीसी प्राप्त होगी। और अब जो हमें, क्योंकि जो हमें 240 वोल्टेज करंट था वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 12 या 24 वोल्टेज में कन्वर्ट किया है, और उसके बाद इस एसी करंट को ही हमने ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी में कन्वर्ट किया है, और अब हमने बैटरी के लिए इनपुट सप्लाई दी है। ये बैटरी का सिंबल कहलाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है बैटरी में, अब जो छोटा टर्मिनल होता है वह माइनस नेगेटिव कहलाता है और जो बड़ा बड़ा टर्मिनल होता है वह पॉजिटिव कहलाता है। दो प्लेटों से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्लेट मिलकर एक सेल का निर्माण करती है और एक सेल दो वोल्टेज का होता है। तो यहाँ पर हमने दो तीन सेल लगाए हुए हैं, तो छह वोल्टेज की बैटरी कहलाएगी, और इस बैटरी के लिए जो इनपुट सप्लाई होगी वह होगी डीसी। अब यह बैटरी आपको यहाँ से इसमें एसी सप्लाई देंगे और बैटरी चार्जिंग मेथड पूर्ण हुआ, अब बैटरी के लिए हमने सप्लाई पूर्ण कर चुके हैं और अब बैटरी चार्ज होगी। अब जो बैटरी आउटपुट देगी वह भी डीसी देगी, जब बैटरी से आप सप्लाई करंट देंगे तो वह डीसी प्राप्त कर देंगे। तो इसमें यदि प्लेटों में कोई शॉर्ट सर्किट हो तो उसके लिए कितना एम्पियर लेंगे, ये है जो फ्यूज लगा हुआ है, इससे हम फ्यूज, यदि उसमें सर्किट में कोई शॉर्ट होता है तो फ्यूज यहाँ से ड्रॉप कर देगा सर्किट। तो ये हमारा जो मेथड है वह है रेक्टिफायर मेथड, इसके द्वारा हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं एसी से और डीसी। तो मुझे सभी छात्रों से यही आग्रह है, जो भी आप वीडियो को ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ड्राइंग शीट में इन जो भी आपको वीडियो के माध्यम से ड्रॉइंगें बनवाई जा रही है उन्हें आप ड्रॉइंग शीट में बनाने का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि ड्रॉइंग अधिक से अधिक अभ्यास चाहती है। आप वीडियो देखने से आपकी ड्रॉइंग की तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और अधिक से अधिक आपके हाथ की प्रैक्टिस ड्रॉइंग चाहती है, जितनी हाथ से आप सर्किट को बनाने का अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छी ड्रॉइंग की तैयारी होगी, क्योंकि इनमें असमान मोटाई की रेखाएं और पैरेलल लाइन डालने के लिए
जरूरी है। तो जो भी आपके साथी इस वीडियो से वंचित हो उन्हें भी आप अवगत कराएं। आपको अलवर आईटीआई विषय अनुदेशक, संबंधित विषय अनुदेशक सभी अपना अपना कोर्स वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन व ऑफलाइन कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जो भी इसमें कोई समस्या हो सर्किट में, उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर या समूह जो आपका ग्रुप व्हाट्सएप है उस पर कमेंट करके वो इस समस्या से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर यदि व्हाट्सएप पर नहीं कर सकते हैं तो पर्सनल नंबर के माध्यम से भी आप सर्किट की समस्या, परंतु ऐसा नहीं वीडियो देखने के बाद आप अगली वीडियो के लिए जो भी मैं अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके लिए भी हम निरंतर तैयारी करते हैं, क्योंकि ड्राइंग अधिक से अधिक तैयारी और प्रैक्टिस चाहते हैं। थैंक यू।